जय मसीह मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपका रॉयल प्रीस्ट हूँ। आज हम इस में बात करने वाले एक दो चीज़ के बारे में। एक तो हम बात करेंगे एक क्रिसमस स्टार के बारे में, जिसको नासा ने खुद ने कंफर्म किया है जो कल होने वाला है, यानी December 21, 2020 में कल होने वाला है। और एक बात जो है, एक पास्टर सोवेंसो अमेरिका में बड़ा सा क्लेम किया है कि यानी कल सेम डे कल 2021 दिसंबर को कल दुनिया में यीशु मसीह आने वाला है, दुनिया ख़त्म होने वाला करके प्रीच करके घूमता फिर रहा है। ऐसे ही घूम रहा नहीं है, इसके पीछे 300,000 जिन फॉलोअर्स है, इसको एक, एक, एक 300,000 के बड़े से क्रिश्चियन कम्युनिटी भी इसको बिलीव करते हैं। तो ये वीडियो में सिंपली दो चीज़ों का हम देखने वाले, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप समय नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक मैं हर हफ्ता चल रही हो टालते रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हम आते हैं क्रिसमस स्टार की ओर, ठीक है। ये इवेंट सिंपली ये क्या है कि एक दो प्लैनेट है, जुपिटर और सैटर्न। ये दोनों जो प्लैनेट है, कल इवनिंग में हम आंखों से देख सकते हैं कि वह एकदम 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 दोनों पास ऐसा है कि दोनों अभी एक क्वाराइड होने वाले, लेकिन क्वाराइड होएगा नहीं, एकदम एकदम पास से गुजरेंगे वाला। हमको लग रहा है कि इनके बीच में कुछ इंच का फर्क, कुछ सेंटीमीटर का फर्क है, ऐसा हमको दिखेगा, बट लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अभी ये जो है बहुत स्पेशल इवेंट क्यों है, क्योंकि 800 साल के बाद ऐसा हो रहा है। मतलब ये जो दोनों प्लैनेट हैं अपने पास से गए, वो बहुत बार हुआ है, बट लेकिन प्लैनेट जुपिटर और प्लैनेट सैटर्न एकदम पास से दोनों गुजरने वाले हैं। उस चीज़ को हम दुनिया से, अर्थ से हम देख सकते हैं। कल इवनिंग आफ्टर सनसेट फॉर 45 मिनट्स हम पूरे अर्थ से हम इस चीज़ को हम देख सकते हैं। तो एक बोलते ना, एक अभी जो हिस्ट्री में बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि इसके पहले भी बगल हुआ है, बट लेकिन इस हम अर्थ से देख सकते हैं। और ऐसे चीज़ 800 साल के बाद ये हुआ है ना, लेकिन नासा ने कंफर्म किया है। और ये तो इसके लिए ना भी ये बोलते ना, एक दुनिया में बहुत बड़ा कल इवेंट होने वाला है। तो आई होप मे बी ऐसा, आई थिंक मैं अपने घर के विंडो से आई थिंक मैं उसको देखूँगा। अगर देखूँगा ना उसको, मैं पक्का फोटो खींच के आपको इंस्टाग्राम में अपलोड करूँगा, ठीक है। ये हो गया पहली बात। बट अभी आते हैं कि इस चीज़ को उन्होंने क्रिसमस तरह की कुछ नाम, क्योंकि बाइबल का कुछ रिलेटेड है क्या, तो नहीं है एक्चुअली, कुछ भी रिलेशन नहीं है। लेकिन सिंपली क्या होने वाला है कि ये दोनों प्लैनेट पास में आएंगे ना, तभी दोनों एक बड़ा सा लाइट फॉर्म होगा, यानी बोलते नहीं दोनों बड़ा सा एक फॉर्म जैसा दिखने का भी चांसेस है करके कुछ लोग बोलते हैं। जब 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 दोनों मिलेंगे ना, एक फॉर्म से हमको दिखाई देगा, तभी एक बड़ा सा लाइट भी पैदा होएगा, ऐसा होने का चांसेस है। तो इसके उसको स्टार बोलते हैं। प्लस अभी ये जो इवेंट है क्रिसमस के टाइम में हो रहा है, यानी अभी हम देखना है, लेकिन इन अमेरिकन कंट्रीज में और यूरोपियन कंट्रीज में देखेंगे ना, अभी उन लोग अब सब लोग ना एक बड़ा सा क्रिसमस हॉलीडे में बैठे। तो अभी ये इवेंट जो अभी ये इवेंट है क्रिसमस में हो रहा है ना, तो इसके लिए उन्होंने सिंपली नाम दे दिया है कि क्रिसमस स्टार करके उन्होंने नाम दे दिया। बट लेकिन इसका कुछ बाइबल का रिलेशन है क्या, वैसा कुछ भी नहीं है जब तक मुझे पता है। तो लाइक ये हो गया पहली बात। अभी आते दूसरी बात, मेन टॉपिक। पास्टर सोवेंसो अमेरिका में प्रीच करते घूम रहे हैं कि कल 21 दिसंबर दुनिया ख़त्म हो रहा है, कल यीशु मसीह आ रहा है, कल हमारा जो भी है एक जजमेंट जो भी हमको कल होने वाला है, उसके बाद जो हेवन जाएगा जिसके हेल जाना वो हेल जाएगा, ठीक है। लेकिन यानी बेसिकली क्या, कल इसमें से दुनिया मानने वाला कल दुनिया का एंड करके इस पास्टर का क्लेम है। और पास्टर क्लेम ही नहीं करता, इसके पीछे 300,000 फॉलोअर्स है, प्लस इसके बोलते ना 300,000 फॉलोअर्स है, प्लस 300,000 इसको मानते भी है कल। तो अभी दुनिया हम रह रहे एक 300,000 क्रिश्चियन पीपल मान रहे हैं कि कल इस दुनिया में यीशु मसीह आने वाला है। तो इसके लिए वो लोग खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। बहुत क्रेजी है, पर लेकिन ये पास्टर वही क्लेम करता है। पहली बात तो बाइबल से बोलता है कि यीशु मसीह जब आएगा ना, वो टाइम किसी को पता नहीं है, बट लेकिन इसको कैसा पता है वो पता नहीं। और एक बात ये है ना कि मेन बात जैसे मुझे लगा वो बंदा ना एक प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है। वो बंदा क्या बोल प्रीच करता है कि
वो अभी प्लीज करता है कि कल इसमें से आने वाला है, तो अगर तुम लोग रिपेंट लाइक तुम लोग रिपेंट हो जाओ, कम टू गॉड, वो सब ठीक है, अगर ठीक नहीं है मतलब वो सब बोल दे ठीक है। तो इसके और एक क्या बोलता है कि अभी मेरे पास एक 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 प्रोडक्ट है, इसको आप खरीद दीजिए आपके लाभ के लिए, ऐसा बोलता है। तो एक क्रेजी है बंदा, एक बंदा बोल रहा है कि कल दुनिया ख़त्म होने वाला है, तो इसके प्रोडक्ट को हम लेकर क्या करने वाले, मतलब क्यों लेकर, बंदा खुद बोल रहा है कि कल दुनिया ख़त्म होने वाला है, तो उसके प्रोडक्ट को हम करते हैं, हम करने क्या वाले हैं। तो लाइक सिंपली वो बंदा क्यों कर रहा है कि उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए कुछ भी हाइप क्रिएट करके उस हाइप के द्वारा अपने बिजनेस को करने के लिए कोशिश कर रहा है, ये मैं ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। तो वीडियो का ये कंक्लूजन है कि तो ऐसे जो भी फालतू में प्रीच करते ना, इस बात को आप मत सुनिए, लाइक जो बोलते हैं इसमें से कल आ रहा है, इसमें से वो कल आने वाला है, मैं इसमें से आ गया है, मुझे बोला बोल देना, कुछ भी उसे मत करो। आप अपना खुद का अपने जो बाइबल है, बाइबल को खोल कर पढ़ कर देखिए क्या लिखा है, फिर आप जाके बिलीव कीजिए। सो और एक बात है कि मैंने जो बोला था क्रिसमस का वो इवेंट, तो कल जो प्लैनेट जुपिटर सैटर्न पास में आने वाले, उसका आप पक्का देखिए ठीक है, क्योंकि मैं भी अपने इवेंट में मैं लाइक देखने के लिए ट्राई करने वाला हूँ ठीक है। आप देखिए सर, तो ऐसे पास्टर से और ऐसे एक फालतू के डॉक्टर से आप बच कर रहिए। सो तो थैंक यू, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और एक बात, अगर कल दुनिया सच्चे में ख़त्म हो गया, कल समझ आ गया, तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा, आप कमेंट में जरूर बताए कमेंट में कैसा रहेगा करके। तो थैंक यू एंड टिल आई मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।